मध्य प्रदेश के मंडला में जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर ने अस्पताल के सभी वार्ड और इंतजामों को देखा। कलेक्टर ने अस्पताल की महिला डॉक्टरों और नर्सों से राखी बंधवाई और मिठाई खिलाई। इसके अलावा कलेक्टर सोमेश मिश्रा तृतीय और चतुर्थ वर्ग की महिला कर्मचारियों से भी राखी बंधवाई। उन्होंने कलेक्टर के इस दौरे से अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने खुशी जताई। इस तरह रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही जिला अस्पताल में राखी का माहौल बन गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस बार रक्षाबंधन पर एक खास पहल की। उन्होंने शहीद सैनिकों की पत्नियों और परिवारों से राखी बंधवाई, साथ ही उनकी मदद का पूरा वचन भी दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इन वीरांगनाओं को शॉल, श्रीफल, मिठाई और सम्मान की राशि भी भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीदों की पत्नियों से संवाद भी किया। रविवार शाम 12 से ज्यादा शहीदों की पत्नियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा। रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद प्रदेश कार्यालय पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान जिले भर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंची हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने अखिलेश यादव को राखियां भेंट की, साथ ही उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की। अखिलेश यादव ने सभी महिलाओं से मुलाकात कर राखियां स्वीकार की और उनका आभार भी जताया। इस दौरान अखिलेश यादव ने राखी भेंट करने पहुंची सभी महिलाओं को उपहार भी दिए। रक्षाबंधन के मौके पर मिठाइयों का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। गुजरात के राजकोट में मौजूद एक प्रसिद्ध मिठाई दुकान पर कई तरह की ताजा मिठाइयां बनाई जा रही हैं। दुकान पर हर तरह की लोकप्रिय मिठाइयां तैयार की जा रही हैं, जो इस पर्व की खुशी और उल्लास को बढ़ाने के लिए काफी है। इस विशेष मौके पर मिठाइयों की मांग में इजाफा हुआ है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई किस्म की मिठाइयां बनाई जा रही हैं। लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और दूसरी पारंपरिक मिठाइयों के अलावा नए नए फ्लेवर की मिठाइयों की भी आज पेशकश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बारामूला के उरी में कश्मीरी लड़कियां रक्षाबंधन त्यौहार से पहले सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए राखियां बना रही हैं। पिछले दो दिन से भारतीय सेना के उन जवानों के लिए राखियां बनाई जा रही हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। लड़कियों ने पिछले दो दिनों में 200 से ज्यादा राखियां बनाई हैं। ये राखियां आज हमारे सैनिकों को बांधी जाएंगी, ताकि उन्हें ऐसा महसूस न हो कि वे अपनी बहनों से दूर हैं।